देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN / 2010 / 33915। भाजपा ने शहर में निकाली राज्य सरकार की शव यात्रा, प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और शहर के मुख्य मार्गों से शव यात्रा निकाली। इसके साथ ही राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुबह 11 बजे जिले के भाजपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला अस्पताल के पास स्थित गंगाबाई की बगीची में एकत्रित हुए, जहाँ से राज्य की कांग्रेस सरकार की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा हरदेव नगर, जगन चौरा, लाल बाजार होते हुए हनुमान तिराहे पर समाप्त हुई, जहां शव यात्रा का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विभिन्न वक्ताओं ने हनुमान तिराहे पर कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बने करीब 20 माह हो गए, लेकिन तब से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। यहाँ महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ लगातार एक के बाद एक दुष्कर्म की घिनौनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। देश में क्राइम के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन गहलोत सरकार अभी भी सोई हुई है। इसके बाद भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष के अलावा धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, पूर्व बसेड़ी विधायक सुखराम कोहली, राघवेंद्र सिंह, विनय परमार, शिवम राजावत, हरेंद्र राव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान इस समय अपराध की श्रेणी में एक नंबर पर आ चुका है। हर मोर्चे पर विफल गहलोत सरकार महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकाम रही है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं कि अभी हमारे जिले में भी काफ़ी सारे अपराध हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी धौलपुर ने धौलपुर को लेकर जो मैडाप हॉस्पिटल और अत्याचार बढ़े हैं उनको लेकर के यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारे धौलपुर में बोरेली गांव में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार किया, उससे पीड़िता ने आत्महत्या की। और दूसरा जो घटनाक्रम है वो बदरका गांव के कोलारी थाने में है। एक लड़का गाँव में 16 तारीख को बच्ची का अपहरण हुआ और 16 तारीख से लेकर के आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उस वो परिवार भी हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से धौलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे और इन अपराधों पर नियंत्रण करे। हमारे राजस्थान में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जो बन रहा है ये बड़ा निंदनीय है। ये राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी जब तक ये चीजें नहीं सुधर पाएंगी। प्रियंका तमर, कोठी मंडल अध्यक्ष, धौलपुर से। मैं चाहती हूँ गहलोत सरकार मतलब जो लेडियों के खिलाफ, मतलब माताओं बहनों के खिलाफ, मतलब जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनमें मतलब साथ दें, हम सब लोगों का मिलके सहयोग करें। और मतलब जो भी इन चीज़ों को गलत तरीके से देखा जा रहा है उसमें मतलब अपना नज़रिया उस रख के और मतलब सही तरीके से उनका, हम लोगों के साथ मतलब साथ दें। ऐतिहासिक जीत पर सैंपू सरपंच ने जताया जनता का आभार। धौलपुर जिले की सैंपू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सैंपू से अर्जुन सिंह कुशवा ऐतिहासिक मतों से विजयी होकर सरपंच बने हैं। उन्होंने करीब 1000 मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसे लेकर सरपंच अर्जुन सिंह कुशवा ने क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया है। इसके साथ ही उनका क्षेत्र में जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। महिलाएं मंगल गीत गाकर उनका स्वागत कर रही हैं। इसके अलावा लोग माला और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। वहां सरपंच कुशवा घर घर जाकर मतदाताओं का आभार जता रहे हैं। इस दौरान फर्स्ट ट्रैक से खास बातचीत में सैंपू के नव निर्वाचित सरपंच अर्जुन सिंह कुशवा ने कहा कि सैंपू में ऐतिहासिक विकास कार्य कराऊंगा,
करंजा, सीसी आदि जनता की जरूरत के अनुसार विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ विकास कार्य सैंपों में ऐतिहासिक होंगे और पहली बार होंगे। स्वच्छता बनाए रखना उनका प्रमुख कार्य रहेगा। आपको बता दें कि सैंपों के नव निर्वाचित सरपंच अर्जुन सिंह कुशवा बीटेक डिग्रीधारी हैं। ऐसे में माना जा रहा है शिक्षित युवा सैंपों की तस्वीर बदलने में कामयाब होगा। मैं सरपंच ग्राम पंचायत सैंपो अर्जुन सिंह अपने सभी मतदाता बंधुओं को और सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार मुझ पर सैंपो की जनता ने भरोसा जताया है, उनके लिए मैं जितने भी विकास कार्य हैं उनको बखूबी निभाऊंगा, विकास कराऊंगा, पूरे विकास को प्राथमिकता दूंगा। आपका राजनीति बैकग्राउंड क्या रहा है? यहाँ पे मेरे बड़े भाई सरपंच रहे हैं पूर्व में। मूलभूत विकास जो होते ही हैं, नालों की व्यवस्था और सीसी खरंजों की व्यवस्था, उसके साथ साथ कुछ नए कार्य भी करने हैं जो सैंपू में पहली बार होंगे। और शिक्षा को लेकर प्राथमिकता रहेगी, पर्यावरण को लेकर प्राथमिकता रहेगी और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी स्वच्छता को लेकर। गली गली को हमको स्वच्छ करना है और स्वच्छ भारत मिशन का पूरा ध्यान रखना है। बाइक रैली निकालकर किया मास्क के प्रति जागरूक। गांधी जयंती सप्ताह के तहत आज जिला प्रशासन और चंबल रॉयल क्लब की ओर से लोगों को मास्क के लिए जागरूक करने के लिए धौलपुर शहर में आज बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली धूलकोट रोड स्थित साई मंदिर से आरंभ हुई। रैली को समाज सेवी हरिनिवास शर्मा प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में दर्जनों बाइक सवारों ने नो मास्क नो एंट्री को लेकर आम जन को जागरूक किया। साथ ही रास्ते भर में जहां भी लोग बिना मास्क के मिले, उन लोगों को मास्क भेंट कर आगे हमेशा मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। शहर के मुख्य मार्गों से जहां से यह रैली निकली, वहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर बाइक सवारों की हौसला अफजाई की। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाने का प्रण भी लिया। नगर परिषद कार्यालय पर रैली का समापन किया गया, जहाँ नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गांधी जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य में ये धौलपुर प्रशासन द्वारा ये रैली आयोजित की गई और हम लोगों ने मास्क का संदेश गांधी जयंती सप्ताह के तहत सभी को मास्क का संदेश दिया है कि मास्क जरूर लगाएं, कोरोना को हल्के में ना लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसलिए ये रैली आयोजित की गई है। और ये सफल रैली का आयोजन पूरे धौलपुर में जो प्रमुख मार्ग है उनसे इस रैली को निकालते हुए संदेश दिया गया है कि शांति से एक दूसरे को मास्क लगाने का आप बोलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांधी जयंती सप्ताह मनाया गया। ब्राह्मण समाज राजा खेड़ा की बैठक संपन्न। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की बैठक आज परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में रामशंकर लेचोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समाज के आगामी अध्यक्ष का चयन व निर्माण समिति के गठन संबंधी विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन समाज के ही राम स्नेही मुदगल चौधरी बाग वालों के निधन की दुखद सूचना मिलते ही मीटिंग को स्थगित कर दिया गया व उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में राम अवतार पचौरी, राजकुमार मुदगल, प्रदीप उपाध्याय, दिलीप पाराशर, विष्णु सैंतिया, मोहन प्रकाश, शशांक मुदगल, वीरेंद्र गिरिराज, सोनू संजय, पुष्पेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं। सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है, एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा, पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर।
डॉक्टर AKS राठौर मुंबई MD शल्यतंत्र मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677 महाकाल सेना व नगरपालिका कर्मचारियों ने निकाली जागरूकता रैली। महाकाल सेना एवं नगरपालिका राजाखेड़ा के कर्मचारियों के साथ राजाखेड़ा शहर में जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। नगरपालिका अधिशासी अभियंता राहुल मित्तल एवं नवल सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली नगरपालिका से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार चौकी टाउन से हाट मैदान होते हुए वापस पुलिस थाना नगरपालिका पर समाप्त हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य शहर की जनता को जागरूक करना तथा कोरोना के चलते मास्क का उपयोग करना था। इस दौरान मित्तल ने लोगों को संदेश दिया कि कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है, इसलिए हमें कोरोना के प्रति जागरूकता का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रदेश सचिव शशांक मुदगल ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही हमारी वैक्सीन है। इस दौरान अध्यक्ष दीपक परिवार की अगुवाई में ब्लॉक कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित गुप्ता, सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, संजय करसोलिया, सौदान सिंह, मयंक मुदगल खांडे आदि सदस्य उपस्थित रहे। आज राजाखेड़ा में नगरपालिका प्रशासन और महाकाल सेना के सदस्यों ने राजाखेड़ा क्षेत्र में रैली निकालकर कोरोना जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें आज हमने नगरपालिका से लेकर पुलिस चौकी टाउन होते हुए हाट मैदान पुनः वापस थाना होते हुए नगरपालिका पर रैली समापन की। दो बाइकों की भिड़ंत में दंपति सहित चार घायल। सैंपो उपखंड क्षेत्र के हाजीपुर मोड़ के पास दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार दंपति सहित पिता पुत्र चार लोग घायल हो गए। लोगों ने बताया कि घटना के बाद सभी घायल काफी देर तक सड़क पर पड़े तड़पते रहे। इस दौरान हादसे के समय घायलों के लिए आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस की कमी खली। एम्बुलेंस 108 की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचते देख राहगीरों के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए CSC सैंपो पर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा सभी का उपचार किया गया है। एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान परिजन निजी वाहन में जिला अस्पताल ले जाने के लिए विवश रहे। बताया गया है कि आपातकालीन एम्बुलेंस 108 की एक गाड़ी हॉस्पिटल के निजी काम में बिजी थी, वहीं एक गाड़ी जयपुर के लिए केस पर थी। घटनाक्रम के मुताबिक बहादुर पुत्र रामेश जाटव निवासी सरेखी अपने पुत्र मुनेश के साथ बाइक पर सवार होकर उपचार कराने के लिए धौलपुर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे उत्तर प्रदेश के शमशाबाद निवासी परमाल कुशवाहा तथा उसकी पत्नी राधा बाइक पर सवार होकर अपनी ससुराल बीरवल का अड्डा घड़ी लज्जा जा रहे थे, तभी हाजीपुर मोड़ के पास दोनों की बाइक आमने सामने से भिड़ गई, जिससे यह हादसा हो गया। हाथरस कांड को लेकर बाड़ी में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। यूपी के हाथरस में बालिका के साथ हुए दुष्कर्म और उपचार के दौरान हुई मौत के बाद उग्र हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर आज बाड़ी के सभी सफाई कर्मियों ने नगर अध्यक्ष राघवेंद्र बागड़ी के नेतृत्व में हड़ताल की। ऐसे में पूरे नगर का सफाई कार्य ठप हो गया। सफाई मजदूर कांग्रेस संघ के बैनर तले हुए इस आयोजन में शहर में रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद SDM कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परिवार को आर्थिक मदद और सुरक्षा देने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि केंद्र सरकार यूपी सरकार को बर्दाश्त नहीं करती है व हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो सभी सफाई कर्मचारी मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हाल ही में हमारी बहन मनीषा के साथ जो हत्यारों ने जो दुर्घटना रची है उसके खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए और कड़ा सा कड़ा है उन्हें मतलब दंड मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर से की धर्मशाला से कब्जा हटवाने की मांग। धौलपुर शहर के काशपाड़ा मोहल्ले की शास्त्री गली निवासी कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें धर्मशाला से कब्जा हटवाने की मांग की गई है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मोहल्ले वासियों ने बताया कि हमारी गली में गंगा जी के मंदिर के सामने एक पुरानी धर्मशाला है जो कि सामाजिक कार्य के उपयोग में आती है, लेकिन अब एक परिवार ने इस पर कब्जा कर लिया है और निर्माण कर रहा है। मोहल्ले वासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि धर्मशाला से कब्जे को हटाया जाए और धर्मशाला को पूर्व की भांति सार्वजनिक उपयोग के लिए रहे। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार मिश्रा, ललित कुमार शर्मा, जगदीश, गोविंद सिंह, बिशन, योगेंद्र आदि शामिल हैं।
मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है, मैं शास्त्री गली काशपाड़ा धौलपुर का निवासी हूँ। उसी मोहल्ले में गंगा बेटी के मंदिर के ठीक सामने जगन्नाथ ब्रह्मा नाम के एक ब्राह्मण ने एक धर्मशाला का निर्माण कार्य किया था, जो 70x80 के प्लॉट में बनी हुई है। उसको ट्रस्ट सार्वजनिक करते हुए उसने समाज को वो दान कर दी और वो समाज को दे दी गई। उसमें बारात वार्षिकोत्सव वगैरह या कोई वर्षगांठ वगैरह मनती थी, उसके सारा का सारा खर्चे का हिसाब किताब हमारे पुजारी जगन्नाथ गंगा बेटी के अयोध्या प्रसाद जी के पास जाता था। उस पर एक परिवार ने, ब्रह्मा जी इसको कहते हैं, तो एक परिवार ने शकुंतला नाम की कोई देवा है, उसने उस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ वो निर्माण कार्य कर रही है, जो कि गलत तरीका है। समाज को वो संपत्ति वापस दिलाई जाए और समाज के हित में निर्णय लिया जाए, ये श्रीमान जी से निवेदन है। NHM नर्सेज संघर्ष समिति ने पांचवें दिन भी किया कार्य बहिष्कार। NHM संविदा नर्सेज संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर 2016 से नियुक्त GNM नर्सिंग कर्मियों द्वारा अपने स्थायी होने तक मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धौलपुर जिले के सभी संविदा नर्सेज ने आज लगातार पांचवें दिन कार्य बहिष्कार किया। साथ ही जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नर्सेज कर्मियों की मुख्य मांग UTB नर्सिंग कर्मियों के समान श्रमिक कानूनों के अनुसार 26,500 रुपये प्रति माह मानदेय देने की है। संविदा नर्सेज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह व महासचिव रेखा राजपूत ने बताया कि राजस्थान में संविदा पर UTB एवं अन्य परियोजनाओं पर लगे नर्सेज को 26,500 रुपये मासिक मिल रहा है, जबकि NHM के द्वारा लगे कर्मचारियों को पिछले कई सालों से 7,900 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है, जिसमें काट पीट कर 6,952 रुपये प्रतिमा मिलता है। आज के विरोध प्रदर्शन में दिलीप लवानिया, राजकुमार, मंजू गुर्जर, प्रीति राजपूत, नीलम मीणा, प्रमोद मीणा, हरिओम बघेल, ज्योति शर्मा, पवन उपाध्याय, सत्येंद्र मीणा, अंजनी अमजद, वीर सिंह आदि शामिल रहे। सामाजिक कार्यकर्ता शिवराम शर्मा का निधन। धौलपुर शहर के ग्रांडील मोहल्ला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शिवराम शर्मा का आज दोपहर निधन हो गया। वे करीब 65 साल के थे। आपको बता दें कि ये करीब 5 साल पहले कृषि विभाग से सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जानकारी के मुताबिक शिवराम शर्मा करीब 2 माह पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उनका कई दिन तक जयपुर में इलाज चला और वे स्वस्थ होकर घर आ गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले अचानक फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी। इस पर उन्हें आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन से वे भर्ती थे, जिनका आज दोपहर करीब 12 बजे अचानक निधन हो गया। शिवराम शर्मा के निधन की सूचना शहर में आग की तरह फैली और लोगों में शोक छा गया। अंतिम संस्कार शाम को चंबल तट स्थित मुक्तिधाम में हुआ, जहां उनके बेटे यश शर्मा ने मुखाग्नि दी। वे अपने पीछे पत्नी, एक बेटा बेटी छोड़ गए हैं। उनके एक बेटा और 4 बेटियाँ हैं, जिनमें से बेटे और 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, वहीं अभी 1 बेटी अविवाहित है। आपको बता दें कि शिवराम शर्मा जी जी न्यूज धौलपुर के रिपोर्टर भानु शर्मा के चाचा हैं। हेलो एवरीवन, धौलपुर वासियों के लिए गुड न्यूज। धौलपुर जंक्शन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है डेली नीड्स का सारा सामान। घर बैठे बस फोन घुमाए, फिर देर किस बात की है, डायल करें 9549530012 और घर रहे सेफ रहे। धन्यवाद। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व 3-व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं। एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास नायला वालों का मकान धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। मचकुंड महाराज धौलपुर पर गुर्जर समाज की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।
चुने गए पदाधिकारियों ने समाज के प्रति कार्यभार संभालने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष की सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों में लव कपासिया पुत्र लाला राम आमकापुरा को जिला महासचिव, अंकित हर्षाना पुत्र ओमी शंकर जेल रोड को उपाध्यक्ष, रामहरि कंसाना पुत्र केदार भमरौली को जिला सचिव और राजेश वेंसला को जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। इस सामाजिक बैठक में समाज के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। रोहित गुर्जर मानपुर जिलाध्यक्ष ने बताया कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी में कार्य न कर संगठन का कार्य करेंगे और समाज के लोगों की राजनीति के शिखर व उच्च पदों पर देखना चाहते हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सरमत्रा व आंगई में किया गया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा धौलपुर का सरमत्रा एवं आंगई मंडल द्वारा संयुक्त रूप से स्वागत किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष राजू जोनवाल व महामंत्री रूप सिंह सेजवाल एवं अनुसूचित जाति मोर्चा सरमत्रा मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल जाटव का भाजपा सरमत्रा मंडल अध्यक्ष मनोज गर्ग, आंगई मंडल अध्यक्ष किशन सिंह मीणा द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष सरमत्रा मांगीलाल मोदी व मंडल सरमत्रा महामंत्री कैलाश चंद शर्मा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजू जोनवाल ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी एवं महारानी वसुंधरा राजे के हाथ मजबूत करने के लिए धौलपुर जिले में अनुसूचित जाति मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर सरमत्रा आंगई महामंत्री मनोज परिहार, राम गोपाल हरदेनिया, राम सागर, पप्पू गुर्जर, जिला मीडिया प्रभारी संदीप पहाड़िया, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष बसेड़ी करण सिंह यादव, एससी मोर्चा जारगा मंडल अध्यक्ष रामफूल जाटव, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष आंगई मनोज दिवाकर भगवानदास जाटव, पूर्व एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रवि नितिन कुमार जाटव, अमृतलाल जाटव, जगदीश जाटव, संजय जाटव, देवेंद्र यादव, देशराज जाटव, नितेश यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीपीपी मोड संघर्ष समिति ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। पीपीपी मोड संघर्ष समिति ने आज धौलपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नियमित करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सालय में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, फार्मेसिस्ट लंबे समय से अल्प वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य सरकार के निर्देशानुसार आम जन के हित में सेवा दी, इसे लेकर उपखंड अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि पीपीपी मोड के चिकित्सालयों में अल्प वेतन पर लगे कार्मिकों को स्थायी किया जाए। ज्ञापन देने वालों वीरेंद्र प्रताप, रोहित कंसाना, धर्मेंद्र, अनिल यादव आदि शामिल रहे। खेलते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से बालक घायल। सैपऊ क्षेत्र के आरी गांव में अपने घर के बाहर खेल रहा एक 6 वर्षीय बालक ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल हो गया। बालक को उपचार के लिए सीएससी सैपऊ पर भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक विवेक पुत्र मुकेश प्रजापति निवासी आरी घायल हुआ है। बताया गया है बालक विवेक अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर ने बालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। बंसल बने अग्रवाल युवा महासंघ के जिलाध्यक्ष। जिला अग्रवाल महासमिति के जिलाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग के निर्देशन में धौलपुर जिले के मनिया निवासी कमल किशोर बंसल को अग्रवाल युवा महासंघ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर बंसल ने कहा है कि मेरा उद्देश्य हमेशा समाज के युवाओं को एकजुट रहकर समाज हित में कार्य करेंगे एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करेंगे। इस मौके पर राजेश गर्ग, पीयूष गोयल, विष्णु सिंगल एवं अन्य समाज के लोगों ने नव नियुक्त जिलाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।